मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी हलचल। दिल्ली से तुरंत भोपाल लौटे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज के इस्तीफे की अटकलें हुई तेज, तो क्या मिल जाएगा अब मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री? बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। डेढ़ माह बाद हुई इस मुलाकात के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है, क्योंकि एक दिन पहले ही शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री व दमोह से सांसद प्रहलाद पटेल भी शाह से मिले थे। शाह से मुलाकात के तुरंत बाद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश लौट आए हैं। दोनों के बीच करीब आधे घंटे बात हुई है। मुख्यमंत्री इससे पहले 16 जून को शाह से मिले थे। वहीं इस मुलाकात के राजनीतिक हलकों में मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के बड़े नेता मुलाकात को सामान्य बता रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक जैसे किसी घटनाक्रम से भी इनकार किया है। दिल्ली जाने से पहले सीएम से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा व प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने भी दोपहर 12 बजे मुलाकात की थी। वहीं इस बीच पटेल भी दिल्ली में सक्रिय हैं। शनिवार को पटेल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती से बात की। पटेल एक दो दिन में केंद्रीय मंत्री व मुरैना से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर से भी मिल सकते हैं। दरअसल इससे पहले भी मेल मुलाकातों का दौर चला था। तब दिल्ली में कुछ नेताओं के निवास पर हलचल बढ़ गई थी। पटेल के निवास पर बीडी शर्मा और सुहास भगत भी थे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व मध्य प्रदेश के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी भोपाल पहुंचकर पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री चौहान और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव से चर्चा की थी। इसके बाद कुछ मंत्रियों के निवास पर भी गए थे। इन मेल मुलाकातों से निकल रहे मैसेज की सुर्खियां बनी तो शीर्ष नेतृत्व ने सभी को बुलाकर फरमाइश दी। गौरतलब है कि सीएम शाह के साथ नक्सलवाद, कानून व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में और सीमावर्ती जिलों में अपराध के साथ सहकारिता के विषय पर भी बातचीत हुई है। सीएम ने शाह को 6 अगस्त को प्रदेश में होने वाले सहकारिता के ई चिंतन शिविर की भी जानकारी दी है। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए सरोकार इंडिया से जुड़े रहें। सरोकार इंडिया न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।